बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। यदि आपके पास पहले से माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो आप उससे भी अपने विंडोज 10 में लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको विंडोज 10 को माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ सेटअप करना होता है। आइए इस सेशन में देखते हैं कि आप किस प्रकार माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के द्वारा विंडोज 10 में लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट पर जाएं और सेटिंग्स पर चले जाएं। अकाउंट्स पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि अभी मैं बेस्टो लोकल अकाउंट जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है इससे लॉगिन हूँ, परंतु यदि मैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करना चाहता हूँ तो साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट इंस्टेड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। आपके पास नेट अवेलेबल होना चाहिए। आप देखेंगे कि आपके पास अवेलेबल हो गई है जानकारी जिसमें आपका मेल आईडी या फ़ोन नंबर और पासवर्ड की जानकारी मांगी जा रही है। यहाँ पर मैं मेल आईडी दे देता हूँ जिससे मैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को प्रयोग करता हूं। मेल आईडी देने के पश्चात पासवर्ड देना है आपको। यदि आपके पास पहले से माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट वन के लिंक पर जाकर कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए नया अकाउंट भी बना सकते हैं। मैंने अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की डिटेल्स सबमिट कर दी हैं, जैसे कि अपना माइक्रोसॉफ्ट का मेल अकाउंट और उसका पासवर्ड। यदि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट पहले से नहीं है तो आप क्रिएट वन से कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए नया अकाउंट भी बना सकते हैं। अब इस अकाउंट से मैं लॉगिन करना चाहता हूं तो मैं साइन इन करूंगा इस अकाउंट पे। आप अपनी करंट डिवाइस को, चाहे वो लैपटॉप है चाहे वो डेस्कटॉप है, आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ खोल सकते हैं। उसके लिए आपको जो पासवर्ड देना है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। यदि आप वो पासवर्ड पहले से प्रयोग करते हैं तो वो पासवर्ड यहाँ दें, अन्यथा आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले से एक पासवर्ड प्रयोग करता हूँ अपने विंडोज 10 को ओपन करने के लिए, वो पासवर्ड मैं यहाँ पे दूंगा। जिस पासवर्ड से मैंने लॉगिन किया हुआ है वो पासवर्ड मैंने अप्लाई करवा दिया है। इसके आधार पे कुछ सेटिंग्स मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगी। अब जैसे कि यहाँ पे सेटअप अ पिन सेटिंग अवेलेबल हो गई है। आप यहाँ पे पिन को भी डिसाइड कर सकते हैं। पिन एक आसान माध्यम है जिससे आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं, और यह एक तरह का पासवर्ड ही है, परंतु यह बहुत ज़्यादा सिक्योर पासवर्ड है। और पिन को सेट करने के लिए मैं सेटअप पिन पे क्लिक कर देता हूँ। जिस पिन से मैं चाहता हूँ अपनी विंडोज़ को लॉगिन करना वो पिन मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। कंफर्म पिन में भी वही आपको पिन दोबारा डालना है और उसके बाद ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे आपके पास पिन जो है वो डिसाइडेड हो जाएगी। इसके पश्चात आप अपने कंप्यूटर को पिन या पासवर्ड दोनों में से किसी भी माध्यम से आप खोल सकते हैं। यदि आप यहां ध्यान दें तो आप देखेंगे कि यहां ऊपर की तरफ मेरे अकाउंट का नाम जो कि गुरप्रीत सिंह है, मेरे अकाउंट का टाइप जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है, और इसके अतिरिक्त मैं पिक्चर भी डिसाइड कर सकता हूं इस अकाउंट पे, और फाइनली मैं कैमरे का प्रयोग करते हुए भी पिक्चर का प्रयोग कर सकता हूं। इस प्रकार मैं अपने अकाउंट को सेटअप कर सकता हूं अपने विंडोज के अंतर्गत। नेक्स्ट टाइम मैं इस मेल आईडी और दिए गए विंडोज पासवर्ड से या पिन से मैं इस विंडोज को ओपन कर सकता हूँ। इस प्रकार हम अपने विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं अकाउंट्स की विंडो को क्लोज कर सकता हूँ। यदि मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँ तो आप ऊपर की तरफ देखेंगे अब की बार मेरे अकाउंट का नाम यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं अकाउंट सेटिंग्स भी डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे कि फिर उसी विंडो में मैं आ गया हूँ। मैं फिर से इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त आप राइट क्लिक करके साइन आउट भी कर सकते हैं और आप अपने सिस्टम को लॉक भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपके पास, जैसे पहले मेरे पास एक लोकल अकाउंट अवेलेबल है, मैं उसका प्रयोग भी कर सकता हूँ लॉग इन करने के लिए। तो इस प्रकार आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं अपने विंडोज 10 के अंतर्गत।